बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सीआरपीएफ जवानों के साथ एनकाउंटर चल रहा है और बासागुड़ा थाना इलाके के फुटकेल के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। घटनास्थल के लिए बैकअप पार्टी रवाना हो चुकी है। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बीजापुर से बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीआरपीएफ जवानों के साथ एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि बासागुड़ा थाना इलाके के फुटकेल के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है और घटनास्थल के लिए बैकअप पार्टी भी रवाना हो चुकी है। एसपी कमलोचन कश्यप ने पुष्टि की। बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। सीआरपीएफ जवानों के साथ एनकाउंटर चल रहा है। बासागुड़ा थाना इलाके के फुटकेल के जंगलों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी भी नक्सलियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ जारी है। पवन दुर्गम जी मीडिया संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। पवन, फिलहाल क्या स्थिति वहां की? जी देखिए, ये बासागुड़ा थाना क्षेत्र का इलाका है, तिम्मापुर से अंदर एक फुटकेल गांव है। फुटकेल गांव के जंगल में सीआरपीएफ की 168 बटालियन के जवान जब नक्सल ऑपरेशन के निकले, तो उस दरमियान वहां पे मुठभेड़ होने की खबर है। जो जानकारी निकल के आ रही है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एक जवान वहां पे शहीद है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक जवान घायल है और एक जवान शहीद है। फिलहाल मुठभेड़ वहां पे खत्म हो गई है, सर्चिंग की जा रही है, लेकिन जंगली इलाका होने की वजह से और नेटवर्क नहीं होने की वजह से वहां से अपडेट कुछ निकल के नहीं आ पाया। कुछ आपको बता दूं कि लगातार जो नक्सली है बीजापुर में तांडव मचाए हुए हैं। पिछले 5 दिनों का घटनाक्रम को हम देखें तो ब्लास्ट, आगजनी, आईडी ब्लास्ट और कल ही दो जो एक इंजीनियर और एक जो मजदूर है उसका अपहरण करके यहां से ले गए। उसके बाद आज एक मुठभेड़ की खबर आती है जिसमें एक जवान के घायल और एक शहादत की खबर निकल के आ रही है। तो लगातार जो नक्सलियों का तांडव है वो यहाँ जिले में देखने को मिल रहा है। जी पवन, बैकअप पार्टी रवाना हो चुकी है? जी देखिए, एसपी से हमारी बात हुई है तो घटनास्थल के लिए जो सीआरपीएफ कोबरा और जो डीआरजी का बल है बासागुड़ा से उस इलाके की तरफ निकला है, क्योंकि घना जंगली इलाका है। ऐसे में वहां पे जवानों को बहुत देखकर संभल कर जाना होगा, क्योंकि नक्सली वहां पर हो सकता है कोई दूसरा एम्बुश ना लगा। पवन, शुक्रिया आपका अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, बैकअप पार्टी रवाना।